नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। प्रोस्टेट बढ़ने की परेशानी आमतौर पर बुजुर्गों में होने वाली स्थिति मानी जाती है, लेकिन ये कम उम्रों के पुरुषों में भी देखी गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रोस्टेट अखरोट के साइज जितनी एक ग्लैंड होती है, जो ब्लैडर के ठीक नीचे स्थित होती है। इसका काम इजेकुलेट होने वाले फ्लूइड का निर्माण करना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है और यूरेथ्रा इसके कारण दब जाता है। ऐसा होने के कारण पेशाब ब्लैडर से आसानी से बाहर नहीं आ पाता, इसलिए आपको बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। इस स्थिति में पेशाब करते वक्त तकलीफ होती है और आपको बार बार पेशाब करने की जरूरत होने लगती है। बहुत से पुरुष इस स्थिति के बारे में बाहर बताने में शर्माते हैं और खुद को तकलीफ में रखते हैं, लेकिन ये स्थिति इन दिनों काफी आम है, इसलिए शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर इसके उपचार के बारे में बात करें तो पहले के मुकाबले उपचार की तकनीकों में काफी सुधार आ चुका है। कई बार पेशाब करते समय दर्द होने लगता है, तब तक सामान्य है जब तक ये स्थिति बिना लक्षणों के होती है। उस समय इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जैसे ही लक्षण महसूस होने लगे तो वो अपने आप ठीक नहीं होती और ब्लैडर और किडनी को भी प्रभावित कर सकती है, इसलिए डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आपके डॉक्टर को सामान्य रूप से महसूस होता है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो वो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं। ये डॉक्टर डिजिटल रेक्टल एग्जाम करते हैं। आपको यूरिनरी फ्लो और वॉल्यूम टेस्ट लेने को भी बोला जा सकता है, ताकि ये देखा जा सके कि ब्लैडर कितना खाली हो रहा है या खाली नहीं हो रहा। बहुत से पुरुषों के लिए इसके उपचार हेतु फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन दी जाती है। आपको कुछ ऐसी दवाएं सुझाई जा सकती हैं जो ब्लैडर की मसल्स को रिलैक्स करें, ताकि पेशाब के फ्लो में मदद मिल सके। कुछ दवाइयां प्रोस्टेट के साइज को कम करने में भी मदद करती हैं और कई बार दोनों तरह की दवाइयां दी जाती हैं। आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतना जल्दी ही इसका इलाज संभव हो सकेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।